दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों, सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज की जो वीडियो है वो सभी शेयर चैट चैंपियन यूज करने वालों के लिए ही बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर चैट पर कोई परेशानी में होते हैं या फिर आप जो मुझे कॉमेंट करके पूछते हैं या आप किसी भी चीज का समाधान चाहते हैं शेयर चैट से रिलेटेड, तो आज आप कॉल कर सकते हैं शेयर चैट को और आज से आपके पास एक नंबर सेव होने वाला है शेयर चैट का। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दे दोस्तों, और उससे पहले करते हैं वीडियो को लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा भाई, शेयर चैट पर जो लोग चैंपियन बन चुके हैं, अब ध्यान से समझ रहे इस चीज को, जो लोग शेयर चैट पर चैंपियन बन चुके हैं उनके पास एक नंबर शेयर चैट का सेव होगा। आप सब लोगों को पता है आपके पास एक नंबर आता है शेयर चैट का। चलिए ठीक है, आपके पास वो नंबर सेव है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग शेयर चैट पर नए आए हैं और जो लोग शेयर चैट पर कुछ कमाना चाहते हैं लेकिन फिर भी कोई दिक्कत के सामने आ जाते हैं। वो उन लोगों के पास शेयर चैट का कोई नंबर भी नहीं है, तो वो बात किससे करें? तो मुझे या तो मैसेज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बताने वाले। तो दोस्तों, यहाँ पर नंबर जो है वो नीचे आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, नीचे डिस्प्ले पर एक नंबर आ रहा है। इस नंबर को फटाफट से सेव कर लो, और इस नंबर पर अभी करना क्या है वो दो मिनट और रुक जाओ, क्योंकि वीडियो 2 से 3 मिनट की है, लेकिन पूरी जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये टोल फ्री नंबर शेयर चैट वालों का है, लेकिन मैं उससे पहले बता दूँ, शेयर चैट पर जो लोग चैंपियन बन चुके हैं उन लोगों के पास जो नंबर है वो शेयर चैट का पर्सनल नंबर है। ध्यान रखें इस बात का, वो शेयर चैट का पर्सनल नंबर है। और अगर आप लोगों के पास उसका नंबर नहीं है, उन लोगों का नंबर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वाला नंबर आपके पास है, पहले वाला नंबर जो आपका 99 से या फिर पर्सनल नंबर से जो है, उस नंबर को सेव करें, क्योंकि वही एक नंबर है जो आपकी कॉल डायरेक्ट उठा सकता है। ये लोग नए फ्रेशर लोगों के लिए ये नंबर है। तो दोस्तों, इस नंबर को सेव कर लो, और अब बात करते हैं इस नंबर को कब आप टाइम से कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां मैं एक बात कहने वाला हूं, आप मंडे टू फ्राइडे शेयर चैट कंपनी को कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये सर्विस ओपन रहती है, यानी कि सोमवार से लेकर आपको फ्राइडे तक, यानी कि शुक्रवार तक ये सर्विस ओपन रहती है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो आप इनसे अपनी कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, सुन सकते हैं। इस तरह से जो भी शेयर चैट पर आपके सामने प्रॉब्लम आती है उसको आप निपटारा कर सकते हैं। तो आई होप क्या आज की वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा कि शेयर चैट पर कब कॉल करना है, कब नहीं करना, और उसके बाद भी शेयर चैट पर कोई दिक्कत आपके सामने आती है, कॉल पे समाधान नहीं हो पाता है, तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।